हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ प्रोफेशनल O3 विटामिन सी ग्लोइंग स्किन ब्राइडल फेशियल किट का। ब्राइडल्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा फेशियल लेना है कौन सा नहीं, बिकॉज़ आजकल मार्केट में कई सारे न्यू ब्रांड्स के फेशियल लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल O3 एक ऐसा ब्रांड है जिसके सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। O3 के कई सारे फेशियल्स आते हैं डिफरेंट रेंज में। O3 में ब्राइडल्स के लिए भी डिफरेंट रेंज अवेलेबल हैं, जिनमें से एक O3 विटामिन सी ग्लोइंग स्किन ब्राइडल फेशियल किट है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह के पैकेट में आती है एंड ये सिंगल यूज़ फेशियल किट है। अगर आप पार्लर जाकर फेशियल कराना नहीं चाहती हैं तो ये किट आप ऑनलाइन परचेस करके घर में ही ईजिली ब्राइडल फेशियल कर सकती हैं। इसकी MRP 700 है। मैंने इसे purple.com से परचेस किया है। ऑनलाइन परचेस करने पर आपको कुछ बहुत ऑफ़र भी मिल जाता है एंड इसके बैक पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको और किसको कब और कैसे यूज़ करना है। तो अब मैं इसे ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसमें से आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको मिलता है ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट और इसमें सब कुछ बहुत ही प्रॉपरली मेंशन है, सारे स्टेप्स मेंशन है कि आपको किस किस तरह से करना है इसको। उसके बाद आपको मिलता है ये पाउच जिसमें 7 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा ये 3 पैकेट्स और मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पाउच में क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें मिलता है ये क्लींजर। तो फेशियल में फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजर, तो ये विटामिन सी क्लींजर है। ये एक छोटा सा पैकेट टाइप होता है, इसे आपको ओपन करना है एंड इसे फिंगर की हेल्प से पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करना है। उसके बाद 3 से 4 मिनट तक फेस पर अच्छे से मसाज करना है एंड किसी वेट टॉवल से फेस को क्लीन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी थिक और क्रीमी है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लींजर का काम ही होता है स्किन को क्लीन करना, तो जब आप इसे अपने फेस पर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पर जितनी भी डर्ट, जितनी भी गंदगी, ऑयल वगैरह जो भी होगा, ये उसको आपकी स्किन से रिमूव कर देगा और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। तो ये है इसका स्क्रब जिसके ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोडर्माब्रेसन फेशियल पील। इसे आपको ओपन करके अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करना है एंड बहुत ही जेंटली 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है एंड अपने फेस को वॉश कर लेना है। सो गाइस, इस स्क्रब का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है, लेकिन जब आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे और इससे मसाज करेंगे तो आपको फील होगा कि इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सभी स्क्रब्स में होते हैं। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं और बिल्कुल भी हार्श नहीं हैं, और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे और जितनी भी डेड स्किन सेल्स होगी और जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह होंगे, ये उन सबको रिमूव कर देगा आपकी स्किन से। एंड इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जो कि है ये टॉनिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी बॉटल टाइप है और इसमें बिल्कुल वाटरी सा, ट्रांसपेरेंट सा टॉनिक होता है। इसे आपको यहाँ से कट करना है और इसे अपने फेस और नेक पर स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद टैप टैप करते हुए स्किन में अब्जॉर्ब कराना है। इसे स्किन पर अप्लाई करने के बाद रिमूव नहीं करना है, इसी के ऊपर से फोर्थ स्टेप को अप्लाई कर लेना है, जो कि है ये मसाज क्रीम। ये भी उसी तरह के छोटे से कंटेनर में दी हुई है जैसे कि बाकी सब हैं, और इस पर लिखा हुआ है विटामिन सी मसाज क्रीम। इसे फिंगर की हेल्प से पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लेना है और 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है, देन वेट टॉवल से फेस क्लीन कर लेना है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी, एक शाइन ऐड करेगी स्किन में और स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्पफुल होगी। सो गाइज, आपको इस क्रीम से बहुत ही अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस और नेक को मसाज देना है, बिकॉज एक फेशियल में मसाज क्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिससे आपके फेशियल का रिजल्ट अच्छा आता है, और जितने भी फेशियल स्ट्रोक्स होते हैं वो सारे इसी स्टेप में यूज़ किए जाते हैं। एंड अब आता है इसका 5th स्टेप, जो कि है ये वाइटनिंग मास्क। ये इस तरह के छोटे से पाउच में है। इसे आप अपनी फिंगर या ब्रश की हेल्प से पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लें और 15 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद फेस वॉश कर लें। सो गाइस, जैसा कि इस फेस पैक का नाम है वाइटनिंग मास्क,
तो ये हमारी स्किन को लाइटन अप एंड ब्राइटन अप बनाएगा और एक वाइटनिंग इफेक्ट देगा हमारी स्किन को। इसके बाद आता है 6th and 7th step। इन दोनों को एक साथ ही मिक्स करके यूज़ करना है। एक पाउच में पाउडर मास्क दिया हुआ है और दूसरे में जेल मास्क दिया हुआ है। आपको इन दोनों को किसी बाउल में डालकर मिक्स कर लेना है और इसे बहुत जल्दी मिक्स करके फौरन ही फेस पर अप्लाई कर लेना है। अगर आपने इसमें ज़रा भी लेट किया तो ये बाउल में ही सेट हो जाएगा। सो इसे जल्दी जल्दी से पूरे फेस मीन्स आइज़ पर, लिप्स पर, नोज पर, ऑल ओवर फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है। कहीं भी नहीं छोड़ना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल रबड़ के जैसा हो गया है और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको अपना फेस काफ़ी ठंडा ठंडा लगने लगेगा और आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मास्क है और बहुत ही कम फेशियल्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें इस तरह का मास्क दिया गया हो। 15 मिनट के बाद आपको चेक करना है कि ये ड्राई हो गया है या नहीं। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो जिस तरह से पील ऑफ मास्क को रिमूव करते हैं वैसे ही इसको भी रिमूव करना है। बट ये बिल्कुल भी पील ऑफ मास्क की तरह स्किन पर और हेयर्स पर नहीं चिपकता है, बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है। इसे रिमूव करने में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 8th step और वो है ये शीट मास्क। इस पाउच में आपको एक शीट मास्क मिल जाता है। इसे आपको बहुत ही केयरफुली अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक जैसी लगी हुई है उसे रिमूव कर देना है और शीट मास्क को 10 से 15 मिनट तक लगा रहने देना है। उसके बाद रिमूव कर देना है और जब आप इसे रिमूव करोगे तो इसका जितना भी एक्सेस ऑयल आपके फेस पर रह जाता है उसे टैप टैप करते हुए स्किन में अब्सॉर्ब कराना है। इस फेशियल को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फेस पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ गया है। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और ब्राइटनिंग लगने लगी है। अब आता है 9th step और वो है ये वाइटनिंग सीरम। इसे आपको अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना है एंड मसाज करते हुए अब्सॉर्ब कराना है। जब ये अब्सॉर्ब हो जाएगा तो स्टिकी सा लगने लगेगा, बस तब आप मसाज करना छोड़ दें। एंड इसका लास्ट और 10th step है ये वाइटनिंग SPF क्रीम जिसका काम है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना। तो लास्ट में इसे भी अपने फेस और नेक पर अप्लाई कर लेना है और जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी ही अप्लाई करें। पूरा पैक अप्लाई ना करें वरना ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसे आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जब आप किसी पार्लर से फेशियल कराकर अपने घर जाते हो तो रास्ते में डर्ट और पॉल्यूशन से आपका फेशियल ख़राब ना हो, इसके लिए O3 वालों ने ये लास्ट स्टेप दिया है। लेकिन अगर आप घर में ही फेशियल कर रहे हो तब भी इसे ज़रूर अप्लाई करो। ये आपकी स्किन पर एक लेयर बना देती है और डर्ट पॉल्यूशन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। सो गाइस, ये थी प्रोफेशनल O3 विटामिन सी ब्राइडल फेशियल किट। ये बहुत ही अच्छी किट है अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो या आप ख़ुद एक ब्राइडल हो या कोई भी स्पेशल ओकेज़न है और आप पार्लर जाकर फेशियल कराना नहीं चाहते हो तो आप इसे घर पर ही मंगाकर एक बहुत अच्छा फेशियल अफोर्डेबल रेंज में कर सकते हो और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आते हैं। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप सारे प्रोडक्ट्स सिंगल यूज़ में ही अप्लाई कर लें वरना प्रोडक्ट्स ओपन होने के बाद ख़राब हो सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।